अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और हमारे डिजिटल लेक्चर से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो मैं आपको बताते चलूँ, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स के मतलब। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम बच्चों को यूज़ ऑफ ए और एन कैसे करवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ए और एन का यूज़ हम जस्ट सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करेंगे। जो नाउन एक, अगर कोई चीज़ नंबर में एक है तो हम उसके साथ ए और एन का यूज़ करेंगे। सो माय डियर पेरेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ कि ऑलरेडी क्लास में बच्चे इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। बुक पे एक पिक्चर बनी थी, टीचर्स ने उसको बड़े अच्छे अंदाज में बच्चों को पढ़ा दिया है। ट्री, ओल्ड मैन, आउल, ये सब बच्चों को टीचर ने ऑलरेडी क्लास में करवा दिया है। आज अपने घर में क्या करना है, सबसे पहले आपने घर में डिफरेंट चीज़ों को लेते हुए, जैसे आपके घर में डिफरेंट चीज़ें हैं लाइक डोर मैट, फैन, इस तरह से एप्पल या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके साउंड्स बच्चों को करवाते हुए आपने अगेन एंड अगेन फोकस करवाना है और फर्स्ट साउंड में फोकस करवाना है लाइक दिस इज द पिक्चर ऑफ डोर। तो क्या हम इसके साथ यूज करेंगे ए और एन? फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द इनिशियल साउंड, मतलब कि सबसे पहले फर्स्ट साउंड के ऊपर, जो उसका डोर का फर्स्ट साउंड है उसके ऊपर फोकस करें। फर्स्ट साउंड है ड, तो बच्चे ड को फोकस करते हुए उसके साथ बताएंगे कि ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ ए यूज होता है, तो वो आ डोर। इसके साथ आप बच्चों को एप्पल दिखाएंगे और एप्पल के साथ ही आप बच्चों से पूछेंगे कि इसका फर्स्ट साउंड फोकस करें और बताएं कि इसका इनिशियल साउंड कौन सा है। बच्चे बताएंगे कि इनिशियल साउंड इसका वाउल साउंड है, सो वाउल साउंड के साथ हम एन यूज करेंगे। इसी अंदाज में आपने ये एक्टिविटी घर में करवानी है और घर की चीज़ों में आपने ये एक्टिविटी बच्चों को करवानी है। इसके साथ साथ मैं आपको दोबारा से बताती चलूँ कि वाउल साउंड के साथ हम एन यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए यूज करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपने सीखा होगा कि ये एक्टिविटी आपने घर में किस अंदाज में करवानी है और इसको रीइंफोर्स कैसे करवाना है। स्टे ब्लेस्ड, नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।